अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, हंसरे मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, ये मेरी वो दिल से दुआ जो डेली आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, क्योंकि दिल से जो दुआ निकलती है, बात निकलती है, वो असर रखती है। मैं हूँ आप लोगों की होस्ट, आपकी दोस्त, आप सबकी फेवरेट क्या कशफ फैसल, और आप लोग मुलायजा फरमा रहे आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। जी हाँ जना, मुस्कुराती सुबह का बाकायदा आगाज हो चुका है। और एक बहुत अहम बात आप लोगों को बताना चाहूंगी कि आज जो मैंने ब्यूटीफुल सा आउटफिट वेयर किया हुआ है, ये है अनिला इलियास का। अगर आप लोगों को भी ऐसा चाहिए, ऐसा बनवाना है, तो अनिला से राब्ता करें। और एक बहुत अच्छी खुशखबरी जो कि अनिला ने कहा, मैं आप लोगों तक पहुंचा दूं, रेंट पर भी ड्रेसेस जो है वो अनिला प्रोवाइड कर रही है। तो आप लोग जो है वो महंगे महंगे ड्रेसेस को बनवाना, इतनी महंगाई है, बंदा यही सोचता है कि यार कम खर्च वाला नशीन किस तरह से बने। हम आपको बता रहे हैं, सिखा रहे हैं कि आप किस तरह से बन सकते हैं जनाब। अगर आप लोग ये करेंगे, रेंट पर ड्रेसेस अगर आप मंगवा लेंगे अनिला से, तो आपकी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। और सर्दी की बात करूंगी यहां पर, सर्दी इंतहाई तौर पर ज्यादा हो रही है, कराची वालों से बर्दाश्त नहीं हो रही। और मैं भी उन्हीं कराची वालों में से एक अहम किरदार अदा करती हूँ कि मुझसे तो सर्दी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। तो मैं ये सोच रही हूँ कि सर्दी जो है वो ज्यादा बढ़ेगी या कम होगी, आज हम जानेंगे। जवाद भाई को भी कॉल करेंगे जरा दूसरे सेगमेंट में, और उनसे जानेंगे कि भाई ये सर्दी का जो मसला है इसको जरा बताया, या तो ज्यादा होगी या कम होगी, ताकि हम और गर्म कपड़े खरीद लें अगर हमें खरीदने हैं तो, या फिर हम दोबारा से ये सोचें कि हाँ भाई अब जो है वो थोड़ी बेहतरी आ जाएगी। क्योंकि सर्दी ने तो है जीना मुहाल किया हुआ है, और जब मुहाल से याद आया तो मैं अपने हाथों को देखकर अभी ये ख्याल आया कि आज तो इतनी जल्दी थी और इतनी सर्दी लग रही थी आज मुझे सुबह सुबह, कि मैंने ना रिंग्स रखी ना कोई ब्रेसलेट रखा, और हाथ यूं जो घुमा रही हूं तो अब अंदाजा हुआ कि बगैर रिंग्स के जो है वो बड़ा अजीब ही लग रहा है। खैर इट्स ओके, कोई मसला नहीं है, ऐसी कोई मसले वाली बात नहीं है। जब हम बातें करते हैं, गप्पे लड़ाते हैं, तो हमारे गप्पों में ये हाथ हो गए, ये बात हो गई, उसकी कोई ज्यादा अहमियत नहीं रहती। ये एक रिश्ता ऐसा अटूट बन गया है अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों की मोहब्बत की वजह से। एक साल मुकम्मल हो गया, अब ये मजीद कितने साल मेट्रो पे हम लोगों ने साथ गुजारने हैं, मुस्कुराते सुबह में मुस्कुराते मुस्कुराते कितने हसीन दिन और देखेंगे ये तो अल्लाह पाक ही जानते हैं। और आज का भी शो हमारा बहुत जबरदस्त होने वाला है, आप लोगों को पूरा शो देखना है हमारा, सही है ना, क्योंकि आप लोगों की राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। लाइव कॉल भी आप लोग कर सकते हैं, स्क्रीन पर नंबर चल रहे होते हैं। अच्छा, तमाम जो हमारे मौजूद मेहमान होते हैं ना, हमारा मकसद ये होता है कि डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म से, डिफरेंट डिफरेंट मीडिया से आप लोगों के लिए लेकर आए, ताकि आप लोगों को अवेयरनेस फराहम हो दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ हो रहा है, कराची के हालात हो या वाकयात हो, चाहे मसाइल हमारे कराची के हो या दो दीगर मसाइल हो, उन सब पर हम करते हैं मिलकर बात और कोशिश करते हैं कि कोई ना कोई मसले का हल निकल आए। और अल्हम्दुलिल्लाह एंड में यही होता है कि हम बेहतरी की जानिब अपने आप को रखते हैं, और यही सोचते हैं कि अल्लाह पाक ने चाहा तो सब चीजें बेहतरीन हो जाएंगी। क्योंकि मुझे ये लगता है कि जब आप पॉजिटिव सोचते हैं ना, या पॉजिटिव कोई भी चीज करने का सोचते हैं, तो वो चीजें बहुत बेहतर हो जाती हैं। और एक सबसे अच्छी बात है कि अच्छी नीयत के साथ कोई भी काम किया जाए तो उसमें अल्लाह पाक जो है वो बरकतें डाल देते हैं। मैं तो यही सोचकर जो है दिन का आगाज करती हूँ कि भाई दिन का आगाज करें एक अच्छी नीयत के साथ, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब भी मैं अच्छी बातें कर रही होती हूँ तो ये ब्रेक आ जाती है। नाज़रीन, यहाँ पर टाइम हो गया ब्रेक का, आप लोगों ने कहीं जाना नहीं, देखते रहिए अपना फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। तो देखते रहिए मुस्कुराती सुबह हमारे साथ मुस्कुराते हुए। नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो, आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। अब हम आपकी मुलाकात करवाएंगे अपने मौजूद मेहमानों से। जनाब, सबसे पहले हमारी मेहमान खुसूसी हमारे साथ मौजूद है, रायला फिरदौस साहिबा, जो कि पीटीवी की ब्रॉडकास्टर है, रह चुकी हैं और अब जो है वो अमेरिका में रहती हैं। यहाँ पर तशरीफ फरमाया, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं रायला जी? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? थैंक यू सो मच, आपने प्रोग्राम में इनवाइट किया और बहुत अच्छा लग रहा है। माशाल्लाह, आप मुस्कुरा रही हैं, हम भी मुस्कुरा रहे हैं। अरे जबरदस्त, की अच्छा हो गया ना, मुस्कुराते मुस्कुराते अगर मॉर्निंग का आगाज हो, सुबह का आगाज हो, तो क्या ही बात है। बिल्कुल सही बात है, इसलिए कि मैं समझती हूँ कि मुस्कुराना जिंदगी और लोगों के लिए एक बहुत अच्छा पैगाम है। बेशक बेशक, आपको हम मुस्कुराते सुबह में खुशामदीद कहते हैं। अपने दूसरे मौजूद मेहमान से आपकी मुलाकात करवाएंगे, जिनका नाम है ज़ाहिद शाह, जो की एक्टर है, डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है और राइटर है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं ज़ाहिद साहब? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? और बहुत बहुत शुक्रिया, और ये शो बहुत देखा जाता है कराची में खास तौर पर, और मैं आज इस शो का हिस्सा बने तो आप भी खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपको भी सर खुशामदीद कहते हैं हम अपने मुस्कुराते सुबह में। राहिला जी, हमें बताइएगा कि आपने जो ब्रॉडकास्टिंग की, हम सब ने देखा, जब जो जमाना था, जब जो आपको मुश्किलात थी, वो आजकल आप समझती हैं जो हमारी ब्रॉडकास्टर्स हैं वो चीजें वो फेस करती हैं, या आप समझती हैं कि जब का एरा भी जबरदस्त था और अब भी जबरदस्त? बहुत अच्छा सवाल है आपका, और मैं समझती हूँ कि आज के एरा के जो लोग हैं वो किस तरह की मुश्किलात का शिकार है उसका मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि जिस वक्त हमने न्यूज पढ़ी, पाकिस्तान टेलीविजन एक ही चैनल था जी, और उस चैनल पर आना जो है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज भी होता था, और लोग समझते थे कि उसके दरवाजे से एंटर होना भी बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, और मैंने जमाने तालिबे इल्मी में ही, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था और मैं वहाँ एक ऐसे प्रोग्राम में गई थी जो नौजवानों का प्रोग्राम था,
तो अचानक से ख्याल आया कि चलो मैं न्यूज़ का ऑडिशन क्यों ना दे दूँ। ओके तो मैंने न्यूज़ का ऑडिशन दिया, मेरा सिलेक्शन हुआ और उसके बाद जो है वो समझिए कि हर वक्त हर तो मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा था क्योंकि मेरे साथ ट्रेनिंग करने वाले लोग बहुत अच्छे थे और मुझे वहाँ जो हमारी SNE थी उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया और फिर मेरे देखने वालों ने मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया और बहुत ज़्यादा पसंद किया। और आजकल जो है जो न्यूज़ एंकर्स हैं उनका स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट है, हमारा डिफरेंट था बिल्कुल। और दूसरी एक जाहिर है पाकिस्तान टेलीविजन जो है वो हमारा कौमी इदारा है और कौमी इदारे की अपनी पॉलिसीज होती हैं, हम उन पॉलिसीज को लेकर चलते थे जिसकी वजह से लोग कभी कभार कहते थे कि आप मखसूस खबरें पढ़ते हैं। लेकिन हम जो है वो ये ज़रूर है कि हम हुकूमती इदारों की खबरें पढ़ा करते थे, लेकिन साथ साथ मुझे यूँ भी लगता है कि उस वक्त मौसम का हाल भी था, तजारती खबरें भी थी, खेलों की खबरें भी थी, इंटरनेशनल न्यूज़ भी थी। और अब जो न्यूज़ कास्टर्स हैं वो क्यों लम्हा लम्हा आपको खबरें देते हैं तो वो ब्रेकिंग न्यूज़ के चक्कर में होते हैं और हमारे पास ब्रेकिंग न्यूज़ का कोई सिलसिला नहीं था। ओके हाँ। तो बड़ी मतलब एक सुकून वाली न्यूज़ हुआ करती थी। सुकून तो नहीं कह सकते हाँ। उसका बहुत इसलिए क्योंकि उस वक्त हमारे सर पे हर वक्त ये फिक्र होती थी क्योंकि एक ही चैनल था और जितने मिनिस्टर्स थे और जो भी हुकूमती इदारे थे और उसकी एक पॉलिसी होती थी हम उसको फॉलो करते थे तो हम हर वक्त जो है उनकी निगाहों में होते थे। ओके तो हमारी न्यूज बड़ी सेंसिटिव हुआ करती थी। अभी तो ये है कि शहर में होने वाली कोई भी छोटी मोटी न्यूज भी होती है वो भी ब्रेकिंग न्यूज होती जी, है। जी जी जी। तो हमारा जो प्रोग्राम का फॉर्मेट था वो डिफरेंट था। वो डिफरेंट था तो क्या समझ रही हैं आप, वो टाइम जबरदस्त था? देखें टाइम जो होता है ना वो जिस वक्त आप जिस टाइम में होते हैं वही आपके लिए सबसे बेस्ट होता है, नो डाउट। मेरा अपना कहना ये है और आज के दौर में जो कुछ हो रहा है यकीनन जो ये जरूर है कि मैंने जो उस वक्त की ट्रेनिंग थी और जो कुछ सीखा था मैं आज तक समझती हूँ कि मेरी आम जिंदगी में मेरी जो अमेरिका जाने के बाद की जिंदगी है वहां के जो मैंने प्रोग्राम्स किए उसमें क्योंकि मैंने वहाँ होस्टिंग शुरू की प्रोग्राम की और मेरा एक शो है बात से बात राहिला के साथ। अरे वाह बात से बात राहिला के साथ। हाँ तो बात से बात राहिला के साथ ने मुझे जो है वो मेरी जो अपनी शख्सियत थी उसको सामने आने का मौका दिया क्योंकि मैंने 300 से ज्यादा लोगों के इंटरव्यूज किए और फिर उसके बाद जाहिर है वहाँ पे हमारे जो बड़े बड़े हमारे पाकिस्तान डे के प्रोग्राम्स होते हैं, कॉन्सलेट के प्रोग्राम्स होते हैं, एम्बेसीज के प्रोग्राम्स होते हैं उनमें जाकर क्योंकि मैं बहुत बड़े बड़े मजमुओं के सामने होस्टिंग करती हूँ तो वो न्यूज से बिल्कुल एक मुख्तलिफ चीज है। बिल्कुल क्योंकि आप अपनी जिंदगी में न्यूज पढ़ते हैं तो आप लिखा हुआ स्क्रिप्ट पढ़ते हैं लेकिन अगर आप लोगों से बात करते हैं जैसे आप बात कर रही हैं तो होस्टिंग एक अलग तजुर्बा है और न्यूज एक बिल्कुल अलग चीज तो है। क्या चीज सबसे ज्यादा एंजॉय करती है? मैं पर्सनली आपको एक बात बताऊं कि न्यूज में मैं चली जरूर गई थी लेकिन ये है कि न्यूज पढ़ना मेरे लिए बड़े एजाज की बात थी और टीवी पर एज ए न्यूज कास्टर रात को 9 बजे खबरनामा पढ़ना ये समझिए कि ये PTV के जो VIPs हुआ करते थे वो न्यूज कास्टर्स हुआ करते थे और हमें कोई और प्रोग्राम करने की बिल्कुल परमिशन नहीं थी। लेकिन जब मुझे न्यूज पढ़ते थे हम लिखे हुए स्क्रिप्ट पढ़ा करते थे उसमें आपको अच्छी रीडिंग तलफ्फुज़ लबो लहजा उतार चढ़ाओ और फिर उसके बाद आपकी जो इससे रिलेटेड जितनी भी खबरें हुआ करती थी उसके बारे में जानना बहुत जरूरी होता था। लेकिन आज के जमाने में जब आप होस्टिंग करने के लिए जाते हैं तो आपको जिस शख्सियत से बात करनी होती है उसके बारे में जानना होता है। बिल्कुल अब एक बिल्कुल अलग तजुर्बा है। बिल्कुल अलग तजुर्बा है। होमवर्क इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर होस्टिंग। अब पढ़ते हैं जनाब अपने दूसरे मेहमान की जानिब जाहिर शाह साहब, बताइएगा थिएटर में भी एक्टिंग कर चुके हैं, ड्रामाज में भी एक्टिंग कर चुके हैं तो सबसे ज्यादा क्या थिएटर की एक्टिंग ज्यादा इंजॉय करते हैं, पसंद है या फिर आप चाहते हैं जो हमारा छोटा सा कैमरा है इसमें एक्टिंग हो तो उसकी बात अलग? देखिए कैमरा एक ऐसी चीज है कि पूरी दुनिया इसको देखती है जी। है छोटा सा लेकिन है जी। और ये एक शिकन भी आपके माथे पर जो होती है ना उसको भी पकड़ लेता है जी, कैमरा। जी, जी जी। और थिएटर जो है वो उससे मुझे बड़ा लव है, मुझे बड़ा प्यार है क्योंकि मेरा आगाज जो था वो थिएटर था। अच्छा कब से आगाज किया? 2007 से शुरू किया था ये। ठीक है तो छोटे छोटे प्लेस कर रहा था मैं लेकिन 2010 में पाकिस्तान का एक महंगा तरीन ड्रामा मतलब आप यूँ कह लें कि महंगा तरीन बजट का ड्रामा अमन का छक्का। ओके तो उसमें लाहौर की बहुत बड़ी कास्ट थी और कराची की कास्ट को मिलाकर हमने और उस वक़्त जब इस शहर में अमन की ज़रूरत थी तो हमने उस वक़्त अमन का छक्का किया ज़बरदस्त। और फिर उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा आज तक और बहुत बड़े बड़े प्ले और सारे जितने भी प्ले हैं मेरे सारे कमर्शल हैं। 10 दिन 15 दिन 20 दिन महीने के इस तरह के ये प्ले हैं और ये 3 करोड़ की आबादी से ऊपर का ही शहर हो गया है इस वक्त। यानी पाकिस्तान है हमारा कराची। यहाँ जितने थिएटर होने चाहिए थे, जितने प्ले होने चाहिए थे, खेल होने चाहिए थे, वो यहाँ नहीं हो रहे। उसकी वजह हमारे पास एक तो ब्लेसिंग नहीं है
चर्चस नहीं है कि हम मुख्तलिफ जिस तरह से पहले होया करते थे मुख्तलिफ होते थे, अंबर होता था, कराची ऑडिटोरियम था, उसके अलावा और बहुत सारे प्ले होते थे, तो मुख्तलिफ कंपटीशन होते थे। उमर भाई के जाने के बाद एक ऐसा खलासा आ गया है मजीद कि अब कुछ नज़र नहीं आ रहा और कि कोई ऐसा चेहरा कि उमर भाई के कहीं थोड़ा बहुत करीब तर आ जाए। बिल्कुल वही काम कर रहे हैं रूटीन के मुताबिक जो छोड़कर गए हैं हमारे बड़े मोइन अख्तर भाई, उमर शरीफ भाई, लियाकत सोल्जर भाई, सिकंदर साहब, तो अभी नया कुछ हो नहीं रहा जिसकी वजह से थिएटर भी हमारा इस वक्त जवाल पजीर है। ओके और वो भी थिएटर गया है। तो आप क्या समझते हैं भाई साहब, हमारी जो इंडस्ट्री जितना ग्रो करना चाहिए था मीडिया इंडस्ट्री को, ग्रो कर रही है या आपकी आप समझते हैं कि नहीं अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है? देखें अभी आप ये देख लें कि 2002 में जब राही साहब का इंतकाल हुआ, सुल्तान राही साहब का, तो पूरी फिल्म इंडस्ट्री भी जो है जवाल पजीर थी जी। और बैठ चुकी है। हमारे यहाँ अभी 2-3 फिल्में ऐसी बनी हैं कि जिन्होंने एक रिकॉर्ड किया है। बिल्कुल। तो अल्लाह करे कि फिल्म से लेकर और हमारे टीवी चैनल के जो ड्रामे हैं और हमारा थिएटर, ये भी एक सर्वाइस करे और आगे बढ़े और काम हो, क्योंकि हम नए काम की तरफ नहीं जा रहे हैं, वो रूटीन के पहले के। अगर हमारे अगर आप पीटीवी का अगर दौर ले लें तो उसमें जो ड्रामे हुआ करते थे वो एक सखावत, एक हम अपने माशरे को दिखाते थे, एक कल्चर दिखाते थे। अब हम भूल गए। बिल्कुल। तो अब जो हम चल रहे हैं वो एक ही उस पर चल रहे हैं कि सिर्फ वो रिश्ते चल रहे हैं और वो उसी पे एक हम ले के चल रहे हैं। कोई ऐसी कहानी नहीं है कि उसको आप कोई लेकर के सब्जेक्ट चलें। ठीक है। तो मतलब चीजों में बेहतरी की बहुत ज्यादा जरूरत, बहुत जरूरत है और ज्यादा करके लिखारियों की जरूरत है जी, कंटेंट पे बहुत जी, काम करना। अब कंटेंट है नहीं और उसी पे हम मुसलसल पहले तो हमारी चीजों को जो है ना बहुत चेंज करने का है। बिल्कुल चेंज करने की जरूरत है और अब हमें भी यहाँ सर जाने की जरूरत है। किचन की दुनिया में आपको लेकर चलते हैं, किचन की दुनिया में मिलवाते हैं शेफ सारा से और शेफ मैक्स से और जानते हैं कि आज क्या बना रही हैं। लेकर चलते हैं किचन की दुनिया में। जी अस्सलाम वालेकुम शेफ सारा और शेफ महक। वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप लोग बताइए खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक है। माशाल्लाह किचन की दुनिया में जब आ जाते हैं तो फौरन से जल्दी से बता भी देते हैं जी। किचन का जो हमारे पास स्पॉन्सर है माशाल्लाह से वो है सलमान फूड्स और है रिवायत कुकिंग ऑयल जो कि खालिस और प्योर है। रिवायत क्योंकि हमें फरहाम करता है एक खालिस ऑयल, तो फिर इससे बन जाती है लाइफ सुपर हिट। तो जी चलते हैं अब जल्दी से झटपट से अपनी रेसिपी की तरफ और बताते चलते हैं कि हम क्या बना रहे जा रहे हैं। जी अस्सलामु अलैकुम, है कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बन रहा है किचन में आज? आज बन रही है पिशावरी कढ़ाई। अरे वाह, ये तो सर्दियों में और पिशावरी कढ़ाई बहुत ही मजे की बनने वाली है। जी महक अपनी इन्ग्रीडियंट्स भी बताएं और साथ साथ रेसिपी भी बताएं। सबसे पहले हम चिकन को टॉस करेंगे इसमें। ओके अच्छा, साथ साथ आप इंग्रेडिएंट्स भी बताती जाएं ताकि रेसिपी को हम साथ साथ आगे लेके चलें। ये बहुत सिंपल रेसिपी है क्योंकि पिशावरी कढ़ाई जो हम रेस्टोरेंट्स में खाते हैं उसमें इतने स्पाइसेस नहीं मिलते। ओके इसमें सिर्फ जिंजर गार्लिक पेस्ट और रेड मिर्च पाउडर और सॉल्ट यूज़ किया जाता है। अगर आपके पास ड्राई मेथी है तो हम ड्राई मेथी यूज़ करेंगे और इसकी जो हम वहाँ देखते हैं हम बहुत ड्राई ड्राई सी होती है, तो वो जिस तरीके से टोमेटोज यूज़ करते हैं आज हम रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाएंगे। ठीक है जी, आज हमारे किचन में सलमान के किचन में जो है बनने जा रही है पिशावरी कढ़ाई और ये पिशावरी कढ़ाई बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनेगी क्योंकि ये बहुत कम स्पाइसेस में बनती है और इसलिए बहुत टेस्टी और मज़े की होती है। ज़रूरी भी नहीं होता कि जी आप हर सालन में या हर कढ़ी में या हर कढ़ाई में बहुत बहुत सारे स्पाइसेस ऐड करें और जी वो आपकी हेल्थ को भी थोड़ा सा मुतासर करते हैं। तो शेफ महक आज हम बना रही हैं पिशावरी कढ़ाई और चूँकि इसमें मैं ख़ुद भी देख रही हूँ कि बहुत लिमिटेड स्पाइसेज हैं तो महक इसके अंदर अगर हम वैसे ऐड करना चाहें तो क्या कढ़ाई का टेस्ट चेंज हो जाएगा या वो पिशावरी नहीं रहेगी? वो पिशावरी नहीं रहती और कॉमन तो ये कहते हैं वो हमारी घरेलू कढ़ाई है जिसको हम बहुत ज़्यादा स्पाइसी यूज़ करते हुए बनाते हैं। ठीक है जी, सलमान जो कि फरहाम करता है वसी तादाद में एक सॉसेस और जैम की रेंज
और जो बनाता है हमारी जिंदगियों को आसान और बहुत ही मज़ेदार। तो फिर मैं तो कहती हूँ कि भी कि सलमान जब आ जाता है ना, तो उसको फ़ौरन ले लेना चाहिए, ख़रीद लेना चाहिए और अपने किचन को जिंदगी किचन की ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए उसको किचन में रख लेना चाहिए। तो जी हम दोबारा से महक की तरफ चलते हैं। महक, अब हम क्या करने वाले हैं नेक्स्ट स्टेप? हमने जो है चिकन को फ्राई कर लिया है, ऑलमोस्ट डन हो गई, अब नेक्स्ट क्या होगा? जब हमारी गोल्डन ब्राउन चिकन हो जाएगी तो इसमें हम डालेंगे जिंजर गार्लिक। ओके, इसका कोई रेशियो है या फिर? 1 टेबल स्पून। ओके जी, जिंजर एंड गार्लिक चॉप है हमारे पास और 1 टेबल स्पून जो है ये दोनों कंबाइन होके हमने ऐसी करा है महक। ओके जी, डन। नेक्स्ट हमने चिली, ग्रीन चिली, इसको हाफ कट कर ले। ओके, अच्छा ग्रीन चिलीज अभी आपने स्टार्टिंग में ऐड कर दिए। अमूमन मैंने देखा है कि हम लास्ट में ग्रीन चिलीज जो है वो देते हैं फॉर फ्लेवर्स और एक कलरफुल भी, एक ज़ाहिर प्रेजेंटेशन का भी हमें खास ख्याल रखना होता है। तो इसको अभी जो हमें चिलीज ऐड करी, कुछ कोई ट्रिक है या कोई आपकी आज इसमें बहुत ज्यादा स्पाइसेस नहीं होते, इसमें फ्लेवर इन्हीं चीजों का है, जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली। ये हम सॉल्ट और रेड चिली भी अपने देसी खाने के हिसाब से डाल रहे हैं, वरना इसमें ये भी ऐड नहीं किए। ओके ओके जी, शेफ महक जो रेसिपीज हमें बता रही हैं वो एक घरेलू टाइप की होती है, जो कि आप स्पेशली इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वो हमारे सब किचन में ही मौजूद होते हैं। अच्छा जी, अब मैं देख रही हूँ महक, इसका जो कलर आ रहा है चिकन का वो भी बहुत अच्छा गोल्डन सा आ रहा है ना, तो इसे इतना ही रखेंगे या अभी क्योंकि मजीद ये कुक भी होनी है? मजीद कुक होनी है, हमने ऐसे सबसे पहले चिकन को यूज इसलिए किया था ताकि जो इसकी स्किन है वो क्रिस्पी हो जाए। ओ ग्रेट, यानी कि ये भी आपकी की है, गोल्डन की। चलें जी, हमारे किचन में जो बनने जा रहा है वो है पेशावरी कढ़ाई, और पेशावरी कढ़ाई के साथ साथ क्या नान होते हैं, चपाती होती है, पराठा होता है, क्या इसके साथ ज्यादा प्रेफर किया जाता है? बाकी तो आपको पसंद हो। ओके 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 जी, हम तो फिर जल्दी से आप मंगवा भी लेंगे ना, नान हो नान के साथ या चपाती के साथ, मुझे लगता है कि कढ़ाई का थोड़ा सा जो टेस्ट और वो जो मजा है वो थोड़ा सा दब जाता है। तो मुझे लगता है कि गार्लिक नान हो जाए इस कढ़ाई के साथ तो बहुत ही मजा आ जाएगा। अच्छा जी, अच्छा इसकी हम जो टमाटर ऐड कर रहे हैं इसका हमने पील ऑफ किया है या बस वैसे ही आप डाल रही हैं? इसको हम स्टीम करने के लिए रखेंगे, हमारी चिकन हो चुकी है 90% को। अच्छा, तो चिकन इससे ज्यादा नहीं पकाई जाती, अगर हम चिकन को ओवर कुक करते हैं तो वो चुई और हार्ड होने लगती है। ओके, क्योंकि गोल्डन पीस यूज किए जाते हैं ज्यादातर कढ़ाई में इस वजह से। अभी हम इसको स्टीम करने के लिए रखेंगे, तो स्टीम से क्या होगा कि इसकी स्किन पील हो जाएगी और जो टोमेटो का अंदर का पल्प होगा वो आ जाएगा हमारे पास, हम फिर इसको रिमूव कर देंगे। ग्रेट, अच्छा अमूमन होता भी ये है कि जो है वो बहुत सारी घरों में खवातीन जो होती हैं, जो हमारी नानी दादियाँ जो अच्छे से लेके चला रही होती थी किचन को, तो वो क्या करती थी कि टमाटर जहाँ सस्ते हुए और उन्होंने बहुत सारे स्टॉक लिया और उसको डिफ्रोज कर दिया, तो उससे क्या होता था कि वो उनके काफी अर्से तक चलते थे। तो क्या ख्याल में है कि इस तरह से करना चाहिए, टेस्ट में कोई फर्क आता है इसमें? नहीं, अगर आप फ्रोजन करते हैं तो ऑब्वियसली टेस्ट में फर्क आ जाता है, अगर आप फ्रेश यूज करें और अगर आप फ्रोजन यूज करें, आपको खुद मेरे अंदाजे से तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि हमने क्या गलती की है आज। हाँ जी, गलतियाँ तो बहुत ज्यादा जरूरी होती है कभी ना कभी जिंदगी में, उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अब क्या ऐड किया है हमने? सॉल्ट और चिली पाउडर। ठीक है, अब कितनी देर रहती है हमारी रेसिपी में कंप्लीट होने में? बस अगर ये टोमेटो बस अपना ये पल्प निकल आएगा और स्किन रिमूव कर देंगे तो बस ये डिश आउट तक चली जाएगी। जबरदस्त, आप लोग कीजिए तैयारी, बनाए ये पेशावरी किचन चिकन। जब तक हम बढ़ते हैं अपनी गेस्ट की जानिब, राहिला जी से जानते हैं, क्या आपने जो है होस्टिंग भी कर ली, ब्रॉडकास्टर भी रह चुकी है, एक्टिंग की कभी ऑफर हुई? बात यह कि जैसे ही मैंने न्यूज शुरू की, क्योंकि उस जमाने में बड़े सीनियर न्यूज कास्टर हुआ करते थे और मैं स्टूडेंट थी, तो सबसे पहली चीज तो यही बहुत बड़ा डिफरेंस था कि कोई यंग न्यूज कास्टर जो था वो यहाँ से किसी ने न्यूज पढ़ना शुरू किया। ठीक है, अच्छा उस दौरान मुझे ड्रामे की भी ऑफर हुई और मुझे फिल्म में भी काम करने की ऑफर हुई। ओ माशा, हाँ जी, लेकिन मुझे हमेशा से ये लगा कि ये दो चीजें तो या शायद मैं नहीं कर सकती। हाँ। लेकिन न्यूज के अलावा अगर मैं कुछ कर सकती थी तो होस्टिंग कर सकती थी। ओके। और कुछ प्रोग्राम्स की मैंने होस्टिंग की भी, हमारे यहाँ पीटीवी अवार्ड्स के लिए जब पेयर्स बनते थे उसकी मुझे होस्टिंग करने का मौका मिला, फिर इसके अलावा एक दो ईद के शोज थे जिनमें मैंने होस्टिंग की, फिर हमारे पीटीवी के जो खवातीन की महफिलें मिलाद सालाना हुआ करती थी जिसे लोग खास तौर पर देखा करते थे रबी लेवल में, तो उसमें भी शामिल होने का मौका मिला। माशाल्लाह, तो कई चीजों को मुझे एक साथ वहां पे एक्सपीरियंस करने का मौका मिला। लेकिन साथ साथ मैं हमेशा ये कहूंगी कि जो चीज आप लाइव करते हैं, आप खुद लाइव शो कर रही हैं,
तो लाइव शो की एक अलग ही खूबसूरती होती है, खूबसूरती होती है, उसका मजा ही अलग होता है। तो मुझे हमेशा ये लगा कि शायद अगर मुझे कुछ भी रिकॉर्ड करना पड़े, शायद एक्टिंग में कभी कर ही नहीं सकती थी। अच्छा। क्योंकि मेरे अंदर कहीं पे भी एक्टिंग के जरासीम है ही नहीं। ओके। और जो कुछ मैं कहती हूँ या मेरा अंदाज है, मैं अपने एक्सप्रेशन के साथ ही कहती हूँ। तो मुझे लगा कि ये शायद मेरे लिए है ही नहीं, और मैंने कभी इसके बारे में सोचा भी, ट्राई भी नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं। अरे जबरदस्त। लेकिन ऑफर हुई? ऑफर तो मुझे आपको बता रही हूँ, उस जमाने में हर चीज के लिए हुई, माशाल्लाह। क्योंकि मुझे हमेशा से बड़ी अच्छी ड्रेसिंग करने का शौक था, और हमारे न्यूज में एक मखसूस टाइप की ड्रेसिंग चेंज करते थे। लेकिन उस वक्त भी मुझे, मेरी कोशिश होती थी कि उस ड्रेसिंग में भी कुछ ना कुछ ऐसा हो कि जो दूसरों से मुख्तलिफ नजर आए, और उसकी वजह से मुझे उस वक्त जो है वो पाकिस्तान के 10 बेहतरीन ड्रेसअप होने वाले लोगों में नाम भी मेरा शामिल किया गया, माशाल्लाह, वेरी गुड। तो उस हवाले से जाहिर है कि आप एकदम, एक तो मुझसे पहले 10 साल पहले तक कोई फीमेल न्यूज कास्टर रात को खबरनामा नहीं पढ़ रही थी, सिर्फ मेल न्यूज कास्टर्स थे। तो मुझे हमेशा ये शिकायत होती थी कि भाई अगर आपके जितने मेल न्यूज कास्टर्स यहाँ से पढ़ रहे हैं, इस्लामाबाद से फीमेल पढ़ रही, तो कराची से क्यों नहीं? और कराची वो जगह थी जहाँ से तकरीबन आधे घंटे का बुलेटिन तो हमारे ही पास होता था, क्योंकि इंटरनेशनल न्यूज हमारे पास थी और लोकल न्यूज हमारे पास थी, खबरें हमारे पास, तजारती मरकज कराची था, तो जाहिर है मौसम का हाल सब कुछ यहीं से होता था। तो मुझे पूरे उस वक्त यह लगता था कि भाई हमें जो है वो क्या नाम इसका, इस तरह की मुख्तलिफ चीजें करने का मौका मिल रहा है। खासतौर पर तजारती खबरें में हमेशा सोचा करती थी कि मैंने कभी भी इतना हिसाब किताब, मुझे नहीं पता था कि कराची स्टॉक एक्सचेंज में क्या क्या होता है, मैंने कभी खबरनामा देखा भी नहीं था। और जब मैंने न्यूज पढ़ना शुरू की और मैंने रिहर्सल करके घर में रिकॉर्ड करके प्रैक्टिस करना शुरू की, तो मुझे लगा कि अभी तक मैं अपने स्टूडेंट लाइफ की तकरीरी मुकाबलों की तैयारी कर रही हूँ शायद। वो जब मैंने अपने आप को इस छोटे से कैमरे से लोगों से मुखातिब होते हुए देखा, तो मुझे अंदाजा नहीं था कि मुझे वहां बाहर पूरी दुनिया में कहां कहां देखा जा रहा है, माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस्लामाबाद से हमेशा ये कहा गया कि हमें आप अगर आप यहाँ पे आके न्यूज पढ़ें तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन कराची शहर मेरा अपना शहर था। बिल्कुल। और लेकिन कराची में एक बात थी, अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने जिक्र किया अमन की बात की, तो इत्तफाक की बात यह है कि मेरे न्यूज के दौर में वो दिन आए जब कराची में अमन का सबसे बड़ा मसला था। ओके। और उस वक्त मुझे कभी कभार जो है वो पुलिस वैन में भी न्यूज पढ़ने के लिए जाना पड़ा, क्योंकि हमारे जो न्यूज कास्टर्स थे उन्होंने आने से मना कर दिया। ओके। और अक्सर और बेशतर में गोलियों की बौछाड़ में भी जो है वो न्यूज पढ़ने गई। देखिए तो, आप कितनी डेडिकेशन के साथ और लगन के साथ अपना काम, और मैं समझती हूँ कोई भी काम आप करते हैं उसके अंदर आपकी डेडिकेशन होती है, तभी आप कहीं आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। और हमें भी यहाँ पर आगे बढ़ना है, कथा कलामी के लिए माफी, ब्रेक का टाइम हो गया। नाज़रीन आप लोगों ने कहीं जाना नहीं, देखते रहिए अपना फेवरेट मॉर्निंग शो, इसका नाम है मुस्कुराते सुबह। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो, आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, इसका नाम है मुस्कुराते सुबह। बढ़ते हैं रायला जी की जानिब। हम बात जो है जहाँ से कथा कलामी करके हम गए थे, जरा बताइएगा पाकिस्तान को कितना मिस करती है रायला जी। आपको क्या बताऊं कि पाकिस्तान को कितना मिस करती हूं, मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के साथ ही देखो। हाय। आपको साल में कम से कम एक मर्तबा नहीं तो दो मर्तबा पाकिस्तान में नजर जरूर आऊंगी। ओके। और बड़ी फ्रीक्वेंटली इसलिए आती हूं क्योंकि एक तो मुझे खैर पाकिस्तान से मोहब्बत है, दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में एक्टिविटीज भी हमारी कुछ ऐसी हैं। अभी कल भी हम गए हुए थे, हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है एपी पैक, मैं उसकी डायरेक्टर भी हूँ वहां पर, और हमारी एक और डायरेक्टर नाहिद भट्टी हैं, और हमारे जो चेयरमैन है एजाज साहब, उन्होंने वहां पर फंड रेज किया था यहाँ के सैलाब जदगान के लिए। तो हम लोग नौशहरा गए और वहाँ पर हमने जो है वो दो गांवों में जाकर लोगों में जो है वो बिस्तर और रजाइयाँ वगैरह का सेट जो था वो तकसीम किया गांव में जाकर। माशाल्लाह। तो हमारी कोशिश होती है कि हम पाकिस्तान को न सिर्फ ये कि अपने साथ अगर जुड़े रहें किसी अच्छे हवाले से और कोई काम अच्छा कर सकें तो वो भी वहाँ से करते हैं हम लोग। इसके अलावा पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत है कि पाकिस्तान आना जाना अपनी जगह, लेकिन वहां पर भी हमने पाकिस्तान बसा रखा है माशाल्लाह। वहाँ पाकिस्तान डेज, पाकिस्तान कम्युनिटी के प्रोग्राम्स, हमारा अपना जो प्रोग्राम है बात से बात राहिला के साथ, साथ जो हमारे कॉन्सलेट के प्रोग्राम्स हैं उसमें हम लोग बहुत इन्वॉल्व रहते हैं। कश्मीर के हवाले से होने वाले प्रोग्राम्स में हम बहुत लगा रहते हैं, कश्मीर की आजादी तक जंग रहेगी जंग रहेगी। वरना पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे तो हम हमेशा ही लगाते हैं। बिल्कुल। तो और कैसा एक जोश हो जाता होगा ना, एक जोश जज्बा वलवले के साथ जब आपको मैं क्या बताऊं, तकरीबन मेरे सामने अगर वर्जीनिया में 20,000 का मजमा होता है और मैं स्टेज पे खड़ी होती हूँ, मैं पाकिस्तान के नारे लगाती हूँ ना, और जब वो आपको जवाब देते हैं ना, वो पूरे अमेरिका की लगता है कि
हर तरफ गूंज होती है पाकिस्तान की, और हम कल्चरल शोज करते हैं, बच्चों के प्रोग्राम्स करवाते हैं और मुख्तलिफ उर्दू के हवाले से होने वाले प्रोग्राम्स जो वहाँ पर हमने कोशिश की है कि हम वहाँ पर भी अपने लिए पाकिस्तान की एक शनाख्त बनाकर रखें। बिल्कुल, वहाँ पर रहने वालों अमेरिकन को देखें, वहाँ पे इंडियन लॉबी बड़ी ही मजबूत है और वो लोग बहुत छाए हुए हैं, उनके अमूमन प्रोग्राम्स भी होते हैं, वो आपको पता है कि कल्चर के लिहाज से भी उनके यहाँ जो है मुख्तलिफ तरह के प्रोग्राम्स होते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारे पाकिस्तान को जो है हम लेवल पर लेकर जाएं कि लोगों को नजर आए वहाँ पे अमेरिकन भी हमसे मुतासर हो। अक्सर वो ये पूछते हैं ओ आर यू इंडियन, तो हम फौरन कहते हैं नहीं नहीं नहीं, पाकिस्तान एक अलग मुल्क है, हम लोग पाकिस्तानी हैं। और फिर उसमें यह है कि हमें अपने आप की हमारी जबान उनको बहुत पसंद आती है और वो खास तौर पर यह कहते हैं कि हिंदी जबान के मुकाबले में उर्दू जबान जो है वो बहुत खूबसूरत है। नो डाउट। और हम अपनी जबान के आपको जिस तरह अंदाजा भी हो रहा होगा कि वहाँ पे उर्दू के प्रोग्राम्स करते हैं खासतौर पर, तो बस ये समझिए कि पाकिस्तान जो है वो हर तरह से हमने वहाँ पे बसा रखा है, लेकिन पाकिस्तान में जरूर आती हूँ। और मैं हमेशा लोगों से ये भी कहती हूँ कि देखिए आप मुल्क से बेशक दूर चले जाएं, लेकिन पाकिस्तान या अपना कोई भी मुल्क हो उसको हमेशा अपनी शनाख्त बनाकर रखें। और पाकिस्तान में रहने वाले लोगों से ज्यादा हम लोग पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर जब मैं आती हूँ लोगों के मसाइल अपनी जगह, लेकिन हम उन मसाइल से भी नहीं घबराते। मैं साल में दो दफा आती हूँ, अगर लाइट भी चली जाए तो कोई बात नहीं है, पानी भी चला जाए तो कोई बात नहीं है, गैस भी चला जाए तो कोई बात नहीं है। अब मतलब ये कि ये सारी चीजें देखें, इंसान को ना अपनी जिंदगी की जो कमी है उसको भी अपने साथ लेकर ही चलना चाहिए और उसको बेहतर बनाने की उम्मीद रखनी चाहिए। बिल्कुल, तो हम लोग तो ये समझते हैं कि हमारे पाकिस्तान से जो हमारी उम्मीदें हैं वो वाबस्ता रहनी चाहिए। पाकिस्तान को जिंदा रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पाकिस्तान से इसकी तरक्की के लिए क्या कर सकते हैं। बिल्कुल, तरक्की के लिए बहुत कुछ करना चाहिए। और बताइएगा जरा जाहिद साहब के थिएटर में क्या क्या चीजें जो है उनको बेहतरी की जानिब आना चाहिए, किन चीजों की कमियां आप महसूस करते हैं एज अ थिएटर आर्टिस्ट? मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो हमारे कॉन्टेंट है वो एक अच्छा स्क्रिप्ट, एक अच्छी कहानी और एक इस्लाह की जरूरत है। बिल्कुल। अच्छा, कौन सी चीज सबसे ज्यादा आप एंजॉय करते हैं? एक्टिंग करना एंजॉय करते हैं, लिखना एंजॉय करते हैं, डायरेक्शन एंजॉय करते हैं, क्योंकि आप तो माशाल्लाह अपने ही अंदर एक पूरी अंजुमन है, तो जरा बताइएगा। एक्ट में ज्यादा एंजॉय करता हूँ क्योंकि उसको लिख कर फिर उसको एक्ट करना उसको जो है ज्यादा मजा आता है। और एक्टिंग करना मुश्किल काम है, खास तौर पर जब आप लाइव कर रहे होते हैं और क्योंकि उसी टाइम रिजल्ट आना होता है, तो जो क्लैप होती है तो वो आपको रिजल्ट मिलता है वहाँ पर। बिल्कुल, तो वो जरा मुश्किल काम अच्छा है। कितने टाइम की रिहर्सल्स होती हैं? रिहर्सल्स कितने दिन तक आप लोग करते हैं, देन फिर लाइव परफॉर्मेंस करते हैं? देखिए, रिहर्सल पहले तो हमारे यहाँ होती थी 15 दिन की, महीने की, आज भी होती है, लेकिन अभी हमारे यहाँ जो इस वक्त थिएटर जो थिएटर गया है उसकी वजह यह है कि रिहर्सल नहीं हो रही, क्योंकि आर्टिस्ट देते ही नहीं है। कास्ट तो हो जाते हैं, कास्ट होने के बाद फिर उनके पास टाइम नहीं होता, और जब तक प्रॉपर रिहर्सल ना हो थिएटर की ड्रामे की तो वो फिर उसमें वो मजा ही नहीं आता, क्योंकि आप जब डायलॉग याद नहीं रखेंगे अपनी तो वो फिर जो है ना डिस्टर्ब ही रहती है। तो यही वजह है कि हमारे यहाँ जो थिएटर बिल्कुल कम होता जा रहा है दिन पर दिन, उसकी वजह से। ओके, उसकी वजह यही है। और जब परफॉर्मेंस का जिक्र आ गया है जनाब, तो हम भी आपके सामने एक बेहतरीन परफॉर्मेंस पेश करना चाहेंगे बाय ऐसे खान साहब। ऐसे खान साहब आ जाइए और छा जाइए। हाँ राहिल मैम, आपने एंजॉय किया परफॉर्मेंस? बहुत जबरदस्त, और बल्कि ये वाला गाना सुन के पाकिस्तान से जो फनकार आते हैं स्टेज पर आकर पाकिस्तान के ऐसे नगमे गाते हैं, और अभी थोड़े दिनों पहले शाजिया मंजूर आए, इससे पहले भी हमारे पास बहुत सारे फनकार आते हैं, तो हम लोगों को लगता है कि वहां पर जो है एक पाकिस्तान का माहौल बन जाता है। बिल्कुल, लोग खुश हो जाते हैं कि जी पाकिस्तान से एक हमारी सौगात आई है, पाकिस्तान का तोहफा। हाँ। पाकिस्तान के गुलकार फनकार, और जब वो आते हैं परफॉर्म करते हैं तो लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और बहुत ज्यादा उनकी इज्जत करते हैं। बिल्कुल, और बल्कि इसी तरह जब हमारे प्रोग्राम में शौकत अली साहब आए थे मेरे प्रोग्राम में, तो शौकत अली साहब भी हमारे उसी मैनहट्टन के पाकिस्तान डे के प्रोग्राम में आए थे। ओके। तो जब वो वहाँ आए तो हमने चाहा कि वहाँ के हमारे जो लोग हैं उनकी बातें भी सुन सकें, तो फिर उनके गीत भी सुने हमने। इसी तरह जब हमारे पास फरीदा खानम साहब आई तो हमने उनके लिए हमारे जो एपी पैक के प्लेटफॉर्म पे प्रोग्राम्स हुए उनमें हमने एक साल जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया मोहतरमा फरीदा खानम साहिबा को। दूसरे साल हमारे पास जियामुद्दीन साहब आए
और तीसरे साल हमारे पास जो है अभी अनवर मकसूद साहब आए थे। तो ये बड़ी बड़ी शख्सियात हैं, लेकिन ये कि इनके साथ जो है हमने जब शोज भी किए तो लोगों को एकदम से ऐसा लगता है कि जैसे पाकिस्तान का रिश्ता फनकार के हवाले से भी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। बेशक। और मैं जो वहां से यहाँ आती हूँ, यहाँ पर हमारे भी आर्ट्स काउंसिल में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस थी, तो अदबी प्रोग्राम्स भी होते हैं यहाँ पर, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के प्रोग्राम्स भी होते हैं, तो वो एक जिसे कहते हैं ना कि अंदर से पाकिस्तान में रहने वाली एक्टिविटीज भी याद आती है, तो भाग भाग के यहाँ जाते हैं और वहां से जो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं यहाँ के फनकारों को वहां बुलाते हैं। तो हमारे प्रोग्राम में अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो शो था उसमें जो है वो गुलाम अली साहब आए और रफाकत अली साहब आए, हमारे जो कौंसिल जनरल हैं वो मेरी मेहमान बनी। और मतलब ये समझिए कि हमने कश्मीर के हवाले से और जितने भी हमारे यहाँ के फनकार थे, सिंगर्स थे, तो सभी प्रोग्राम्स किए। जी बिल्कुल एंजॉय किया। और ये हमारा बहुत पुराना एक सिंगर, अब तो हयात नहीं है, इनायत हुसैन भट्टी साहब, ये उनका था सॉन्ग, उसके बाद फिर जो है वो उन्होंने गाया था अपना अभी जो नाम शाजिया मंजूर ने, और उसके एक दो और भी हिट गाने थे जो इंडिया में बड़े पॉपुलर हुए। तो ये पुराने जितने भी सॉन्ग हैं और जितने भी, क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा था कि उस वक्त लिखारी होते थे और बजाने वाले भी होते थे, तमाम चीज़ों पे बड़ी नज़र होती थी, तो वो आज भी अगर आप सुने तो वो लगता है ऐसा कि जैसे आज ही हम सुन रहे हैं। पहले हमारे कितने गाने हैं जो पड़ोसी मुल्क जो है जी वो चोरी कर लेते हैं, कमाल के साथ चोरी कर लेते हैं कि क्या ही बात है। बहुत सारे गाने और बहुत सारी फिल्में उन्होंने की कोशिश की। अभी जिस तरह से अभी आप जो लेजेंड मौला जट आप जो अभी आप देख रहे हैं उसके चर्चे चल रहे हैं, तो ये इंडिया ने उस वक्त भी कॉपी की थी। ओके। तो लेकिन वो कॉपी कॉपी होती है। हाँ, लेकिन वो नहीं बन सकी उनसे जी। उसके बाद फिर दोबारा से आज हमारे यहाँ पाकिस्तान में, अब देखें पुरानी फिल्म थी उसका एक पूरा प्लॉट था, बिल्कुल उसके ऊपर काम किया और नए अंदाज से नए लोगों के लिए, तो जो है यूथ के लिए जो आज वो और जबरदस्त पूरी दुनिया में पजीराई मिल रही है। बिल्कुल पजीराई। अच्छा, नए लोग जो आना चाहते हैं फील्ड में उनसे क्या कहेंगे एक्टिंग के हवाले से, कि वो किस तरह से एक्टिंग जो है वो सीख के आ सकते हैं, या फिर जो है ये इनबॉर्न टैलेंट होता है, एक्टिंग में सीखने की कोई जरूरत नहीं होती? नहीं, देखें एक्टिंग तो देखें खुदादाद एक सलाहियत भी होती है, और एक्टर कुदरती जो है ना होता है, अंदर से एक्टर होता है, ठीक है, तभी वो एक्टर अच्छा बनता है। और जब तक जस्तजू हिम्मत और उसके अंदर एक बलबला ना हो तो वो एक्टर नहीं बन सकता। उसके लिए स्ट्रगल करना जरूरी है, मेहनत करना जरूरी है, सीखना भी जरूरी है, लेकिन एक्टर बाय बर्थ जो है वो पैदाइशी होता है, तब वो एक्टर होता है। बिल्कुल, एक्टर या तो होता है या तो नहीं होता, बीच का कोई रास्ता नहीं होता जनाब। और यहाँ पर मैंने एक्टिंग नहीं की थी जी, इसीलिए मैंने एक्टिंग करने की कोशिश नहीं की थी, यहाँ पर टाइम जो है वो पहले सेगमेंट का इख्तिताम पसीर हो गया, पता ही नहीं चला। मेरे दोनों मौजूद मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जो है आप लोग मैसेज क्या देना चाहेंगी, मैम क्या कहना चाहेंगी? बस मैं तो हमेशा यही कहती हूँ कि जो लोग यहाँ रहते हैं वो थोड़े मायूस लगते हैं, थोड़े फ्रस्ट्रेटेड लगते हैं, लेकिन आपको पता है कि दुनिया में जितने भी लोग अपने मुल्क से दूसरी जगह चले जाते हैं उनके लिए इस बात की अहमियत कितनी बढ़ जाती है कि हम कितने खुशनसीब हैं कि हम एक आज़ाद मुल्क में रहने वाले लोग हैं जो यहाँ रहते हैं। तो पाकिस्तान की कदर करना बहुत ज़रूरी है, पाकिस्तान से मोहब्बत करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात जो है मैंने देखा कि लोगों में, जितने भी लोगों से आप बात करें, जबान से मोहब्बत करना बहुत जरूरी है, बिल्कुल, और साथ साथ अपने कल्चर से मोहब्बत करना जरूरी है। दिल से पाकिस्तानी बनिए और पाकिस्तान आपकी शनाख्त और पाकिस्तान ही की वजह से आप हैं। अगर है हम दुनिया में कहीं भी चले जाएं, हम अमेरिकन पाकिस्तानी कहलाते हैं, अमेरिकन नहीं कहलाते, बिल्कुल, हम अपने आप को पाकिस्तानी बनाकर लोगों के सामने पेश करना चाहते हैं क्योंकि हम पाकिस्तान के सफीर हैं। तो पाकिस्तान से मोहब्बत कीजिए, और पाकिस्तान की जबान से मोहब्बत कीजिए, पाकिस्तान की सकाफत से मोहब्बत कीजिए, और जैसा पाकिस्तान है ऐसा दुनिया में कोई मुल्क नहीं है, नो डाउट। सर क्या पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम मैं ये देना चाहता हूँ कि आजकल हमारे यहाँ जो थिएटर जवाल पजीर है, एक अच्छे कॉन्ट्रैक्ट के साथ, अच्छे स्क्रिप्ट के साथ, अच्छी कहानी के साथ, अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन किया जाए, ताकि इस 3 करोड़ आबादी के शहर में एंटरटेन होना चाहिए। बिल्कुल। और हमारा जो कल्चर है, खास तौर पर जो हम उर्दू बोलने वाले जो इस शहर में, उनके लिए इस तरह का एक एंटरटेन का एक जरिया। जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो, आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। जी हाँ जनाब, किचन में जरा देखते हैं हमारी पिशावरी चिकन कढ़ाई कहाँ तक पहुंची, शेफ महक ने क्या कमालात दिखाए हैं, आइए लेकर चलते हैं किचन की दुनिया में। जी शेफ महक, बिल्कुल देख सकते हैं आप इसका कलर कैसा आ गया,
जी, पिशावरी चिकन कढ़ाई का कलर भी रेड रेड सब मजे मजे का आ गया है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे कुछ ना कुछ कसर सी बाकी लग रही है, कुछ कमी सी बाकी लग रही। क्यों शेफ महक, क्या की इंग्रेडिएंट्स नहीं ऐड हुआ इसके अंदर? पूरी करेंगे सलमान फूड्स। दैट्स ग्रेट, यही तो मैं सुनना चाहती थी जी। सलमान फूड का एक हमारा सॉस है जो कि टमाटो प्यूरी के नाम से है, वो ऐड करना है और उसके बाद जो हमारी करी जो है उसका अरोमा भी अच्छा हो जाएगा, कलर भी और अच्छा हो जाएगा और जो एक चिकन है वो एक हेल्दी सी लगती है। यू नो, जब बात डलती है ना सलमान की कोई भी सॉस किसी भी डिश में तो वो मज़ा ही दोबारा कर देती है, और ये ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी महक, अब हमने क्या ऐड किया है प्यूरी के बाद? प्यूरी के बाद हमने डाली ड्राई मेथी जो हमारे पास थी। ओके, चिलीज हमने सिर्फ गार्निश के लिए, ठीक है, ऑयल में डिप हो जाए तो इनका कलर जो है वो ऐसा ही रहे जैसा है। सही है, ये भी फ्लेवरफुल हो जाए। सही। अच्छा, टमाटो प्यूरी जो हमने सलमान फूड की ऐड की ना, इससे हमारा जो ग्रेवी है चिकन की वो भी थोड़ी थिक थिक और अच्छी सी हो गई है, यानी कि इसका कलर आप देखें कलर पे कितने चेंजेस आए। चले, सलमान फूड्स के पहले उसका कलर था और अब का कलर चेंज जी आप बिल्कुल देख सकते हैं। अच्छा शेफ महक, जल्दी से अपनी जो है रेसिपी को रिपीट कर दें ताकि हमारे देखने वाले जो हैं वो अपने नोट डाउन कर लें, लिख लें और इस रेसिपी को आज ही बना लें झटपट। सबसे पहले हमने ऑयल हीटअप किया, ऑयल में चिकन को हमने टॉस किया। चिकन को टॉस करने की वजह ये है कि चिकन की स्किन क्रिस्पी हो जाएगी और वो फिर टूटती नहीं है इतनी आसानी से। और देन फिर हमने जिंजर गार्लिक यूज़ किया। हम इसमें पिशावरी कढ़ाई में हम टोमेटो पूरे यूज़ करते हैं, ऐसे ही आप स्टीम करने के लिए रखते हैं इसी के अंदर में, और फिर स्किन को आप पील कर लें। जब स्टीम आ जाएगी तो स्किन ऑटोमेटिकली आपकी पील हो जाएगी, और फिर पल्प को आप यूज़ कर लें। थोड़ी देर में पल्प ऐसा ग्रेवी टाइप बन जाएगा। आप इसको स्टीम के लिए 5 to 7 मिनट्स रख दें, और सॉल्ट एंड रेड चिली, इसके अलावा हमने कोई स्पाइसेस यूज नहीं किए, बिल्कुल लेस स्पाइसेस है। और एट द एंड हमने इसमें की इंग्रेडिएंट यूज किए, सलमान फूड्स की टोमेटो प्यूरी। तो दैट्स ग्रेट जी, सलमान फूड की टोमेटो प्यूरी जब डल जाती है तो कढ़ाई का मजा जो है वो लुत्फ अंदोज हो जाता है जी। शेफ महक की रेसिपीज को आप देखना चाहते हैं, फॉलो करना चाहते हैं, इनके मजे मजे के खाने देखना चाहते हैं और ऑर्डर करना चाहते हैं तो इनका इंस्टाग्राम पेज है जो कि शेफ महक खुद बताएंगी। जी महक, कौन सा पेज है, क्या नाम है? शेफ महक के नाम से मैं वहां पर हूं, और वहां भी आपको ऐसी ही चीजें देखने को मिलेंगी कि मैं जो अपने घर में बनाती रहती हूं, मैं उसी की रील्स अपलोड करती रहती हूं, ताकि अगर जो मेरे फैन फॉलोइंग है जो मुझे देखते रहते हैं और उनको रेसिपी अगर मेरी फॉलो करनी है तो वो जरूर फॉलो कर सकते हैं। चले जी, हो गया और झटपट जी हमारी कढ़ाई भी रेडी है, ऑलमोस्ट हम जाते हैं डिश आउट की तरफ। और ये हमारी जो पिशावरी चिकन कढ़ाई है और ये डिश आउट हो रही है, और मैं कहूंगी भाई आप जल्दी से जो है वो नान आ जाएं, गार्लिक नान आ जाएं, पराठे आ जाएं और या फिर चपाती आ जाए, गरम गरम हो और ये गरम गरम कढ़ाई के साथ हम इंजॉय कर सकें। तो महक, इसके अंदर क्या हम इसको बीफ में भी बना सकते हैं चिकन के अलावा? जी जी, बीफ में हम जरूर बना सकते हैं। बीफ का टाइम पीरियड चेंज होगा कि उसे जो हमें गलाने के लिए ज्यादा टाइम चाहिए होता है, इसलिए हम उसको ज्यादा ठीक है जी। अच्छा जी, हमारे टाइम की शॉर्टेज की वजह से हम चीजें बनाते हैं अमूमन चिकन में ताकि आपके सामने ये बन जाए, हम पीछे से बना के ना लेकर आए और यहाँ पे झटपट से आपको रेसिपी बताएं और इसके अंदर आपको जो चेंजिंग करनी है वो आप घर में ट्राई कर सकते हैं। तो मटन में भी ये बन सकती है और चिकन में भी बन सकती है, इवन बीफ में भी बन सकती है। जरूर ट्राई कीजिएगा, जरूर देखिएगा बना के किस तरह से, और हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। जी महक, कहाँ तक पहुंची हमारी कढ़ाई? बस ये हमारा देसी तड़का। देसी तड़का जी बिल्कुल, और हरा धनिया मजे मजे का, फ्रेश फ्रेश ग्रीन ग्रीन, और ये हमने इसके बाद और क्या क्या डाला इसमें? दैट्स इट, दैट्स इट। ओके जी, हमारा फाइनल लुक रेडी है, आप देख सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, और हमारी चिकन कढ़ाई जो है वो पिशावरी वो रेडी हो चुकी है। महक और जल्दी से झटपट से कुछ कोई ऐसा जबरदस्त, बहुत ही हसीन नजारा है, आपने तो कमाल कर दिया शेफ सारा आज। इंशाल्लाह आप लोगों की रेसिपी बिल्कुल वाइंड अप हो गई, खत्म। अब कोई क्रीम वगैरह रहता तो नहीं है हमारा? नहीं, ठीक है, बस इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात करते हैं आप लोगों से एक नई रेसिपी के साथ। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा शेफ सारा और शेफ महक, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।